रुपए की पुरस्कार है आयुष महानी की ओर से, 11 रुपए की पुरस्कार है मालिक की ओर से, लाख लाख धन्यवाद। अब है रवेन यादव ग्राम खोपड़िया की ओर से भगवान की दरबार में शानदार 51 रुपए की पुरस्कार है। अब है भगवान की दरबार में ग्राम कचहरी दीवारी वार्ड नंबर 1 का पंच प्रतिनिधि दिनेश कुमार दिनकर आज से श्रद्धालु की ओर से शानदार 151 रुपए की पुरस्कार है। और आप हैं भगवान की दरबार में जय मां भगवती मनोज यादव सुपुत्र गुड्डू यादव आज से श्रद्धालु की ओर से शानदार 51 रुपए की पुरस्कार है। और आप हैं भगवान की दरबार में हमारे माननीय ग्राम कचहरी दीवारी के वार्ड नंबर 1 पंच प्रतिनिधि दिनेश कुमार दिनकर की ओर से शानदार 151 रुपए की पुरस्कार है। और आइए आप हैं भगवान के दरबार में हमारे माननीय दीवारी निवासी आप हैं ननकू कुमार के सुपुत्र हैं सुशांत कुमार की ओर से भगवान के दरबार में शानदार 51 रुपए की पुरस्कार है। ऐसी महानदानी की मन की मनोकामना बाबा भोले भंडारी पूर्ण करें, दानु श्रद्धालु की जय हो, उनके समस्त परिवार की। अब प्रसंग की ओर आवो और समय मुताबिक ही प्रसंग हुई थे। पंजीयार शिरोमणि भगवान के अनदू बाबा के द्वार पर छोड़ के गेले, अब वही जगह से प्रसंग आगे बढ़ाव। अब कवि के भाव छे, कवि कलखिनिया कि धर्मराज कहना कठिन है, जैसे खरग की डगमग करे सो डूब मरे सच्चा उतरे, धर्मराज कहना कठिन है, जैसे खरग की धार डगमग करे सो डूब मरे सच्चा उतरे। धर्मराज दीन दयालु समदर्शी हुसैन लीलाधारी दीन दयालु भगवान यानी दीन पर दया करे वाला भगवान समदर्शी धर्मराज बाबा यानी सबके हृदय के बात जाने वाला सर्वव्यापी भगवान यानी सब में व्याप्त भगवान रहे वाला। नंदू बाबा के द्वार पर भगवान जे हो देखियो आए भगवान धर्मत भेल छै 14 पथ दसो देवान एक काल समदर्शी हुसैन भगवान। और अनंतु बाबा बालापन से भगवान के भगत गेल के रे भगवान के जाय के कारण रहे जी भगवान के अनंतु बाबा बालापन से भगत गेल के कहियो भगवान अनंतु बाबा के छप्पर पर खार नहीं रहे दल के हे यौ तीन खाए मलिया ते रात झखे आ रात खाए मलिया ते दिन झखे हे श्रोता घनश्यामा जी बाबा या
भगवान धन दे लगे नंदु बाबा के द्वार पर भगवान आवाज दे रहे धर्म के खंती गाड़ दल के धर्म के चूटा गाड़ दल के धर्म के भगवान रास रचा दल के धर्म के व्यवहार वही मकमा में खिरा दल के धर्मराज बाबा भवन से बाहर हो वही समय में अनंत बाबा भवन में सूतल रहे मध्यरात्रि के समय छे श्रोता बंधु अनंत बाबा के माय मुकमा में जागल रहे अनंत बाबा के माय जे भवन से बाहर होइ छे यंतर्यामी भगवान के संत महात्मा के रूप में देखे छे और अनंत बाबा के माय श्रोता बाबू ध्यान से सुनबे की श्रोता सज्जन वृंदा द्वार पर जाय छे जनौ तिलक के देख के अनंत बाबा के माय लाइव लाइव के भगवान के प्रणाम करे छे और माय जे प्रणाम करे छे भगवान बाहु उठा के आशीर्वाद दे छे जिया यमन तोर नाम दुनिया में अमर रहता श्रोता बाबू श्रोता भगवान और माय के आहा के नाम लिख ले लो आहा जाइयो दू बजे बोला भोजन का के सुतियो Thank you.
सरकार निशी भाग रात में और ए गरीब की द्वार पर भगवान कलखिन हाँ माय पूछलखिन सरकार कारण भगवान कलखिन सुनाया यामा हम सात दिन सात रात के भूखल उपासल छिए और आज आठम उपासल तोरा द्वार पर एलिया श्रोता बंधु श्रोता भगवान जे हो हे सुनु यमा आओ यल्ला जुए ये विधाता Oh,
आज तोरे द्वार पर हमरा अनदू के द्वार पर भगवान भोजन लिखल के तू के छय अनदू बाबू के कल के हम अनदू बाबू के माय छी कल के तू हमरा भोजन करे भ अनदू बाबा के माय कलखिन हां सरकार ये हो जरूर अपने के हम भोजन करेबे अनदू बाबा के माय घूर के भवन जाय छे अनदू बाबा से आवाज लगावे हो अनदू अनदू हो श्रोता बंधु श्रोता भगवान अनदू बाबा के माय कहे हो भगतिया बेटा ए सुना अनदू सुतल छ भवन में जागरण हो उठान है तू तो सुत गेल हो भवन में लेकिन तू मूर्ति अतिथि अभ्यागत तोरा द्वार पर अइलो यो और एगो बात कहि लह बेटा Oh,
विचार करब ध्यान से सुनब श्रोता भगवान अनंतु बाबा के माय कहे तोरा हम पहले कहे नहीं हो या भागल हो या भागल के पुत्र या भागल तू नहीं गावा ये धर्मराज बाबा के भगत नहीं गावा नहीं गावा जय दिन से तू ये धर्मराज के भगत गेलहन ये हो ओई दिन से धर्मराज बाबा तोरा छप्पर पर खोर में रह गए ये घर में खाए के खर्ची धर्मराज बाबा तोरा नहीं रह दलका नहीं रह दलका और द्वार पर सुतई के स्टेज नहीं रह दलका हो या भागल के तू दिया भागल विधि जमेबे कर अनूप बेटा मेजमान जमेबे आब हम बना उपाय जौं कर मैया बचन बाबा अनु सुने माय के संग में जवाब करे सुने सुने मैयो गे सुन हमर बचन हृदय से लगा ले सबके बात माय सते कहब एक को बात या सता नाही कहब श्रोता भगवान से निवेदन है कि कुछ दान पुण्य करियो न कि भगते सुने में रहबे आब हिनका विदाय देवे कनी देर में कुछ दान करियो भगवान हमरा गरीब भले बना दलके परदेश बनियार आहां तैयार भ जाइयो 10 मिनट के अंदर आहां के मंच में बुलाल जाय लेकिन मैं हम चरित्रमान छिए चरित्रहीन नहीं छिए भैया मैं सारा मुकमा के समाज जाने छै जे अनु तू मल्लिया को विचार के मानव छै सब खातिर मैं हम दुश्मने छिए दुश्मने छिए जो न मैं अखन को आए मुकमा में समाज कुछ सुतल है ते कुछ जागलो है ते ककरो से एक शेर पैसा मांग के ले आ हम महात्मा भगवान के भोजन करा देबे जे आए मुकमा में दोनों माय बेटा के पैत बैठ जेते